दीवारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है, तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल 101 इनाम। तो चले आए आपके अपने भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन में। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ इन दिनों दोफाड़ नजर आ रहा है। संघ पर असंवैधानिक तरीके से चुनाव करवाने के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों पर सफाई देने के लिए मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर कहा कि कुछ लोग संगठन विरोधी कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा ही बेतुके व निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। संघ के चुनाव राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से करवा रहा है। पहले ईमेल से सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसकी सदस्यता को चुनाव पूरा होने तक सार्वजनिक नहीं किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 9 नवंबर को शिमला में ही होगा। चुनाव में 2022 तक के लिए नई कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा दिन प्रतिदिन पिछड़ रही है। 60% से ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में पलायन कर चुके हैं। यहां तक कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ बच्चों की पढ़ाई की बात करने के बजाय राजनीति कर रहा है। फिर हिमाचल के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे आएगी? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। साथ में जो हमारा इलेक्शन कमीशन हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन का है, उन्होंने भी अपनी बात अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पे रखी है। जिस तरह से कुछ हमारे विरोधियों के द्वारा संगठन के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर और मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप लगे थे, उसका जवाब देना मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। बाकी का जवाब 9 तारीख को जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव जो है होने हैं 9 तारीख को शिमला में, उसमें सारी बातें सामने आ जाएगी। मुझ पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वीरेंद्र चौहान जो है अलोकतांत्रिक तरीके से काम करता है, उन्होंने जो जिला प्रधानों की शक्तियाँ हैं उनको शक्तिहीन कर दिया है, खंडों को शक्ति दे दी। तो मैं उनको साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि 21-2-2016 को जो जनरल हाउस हुआ था हमारा नगरोटा बगुआ में, उसमें ये शक्तियाँ दी गई थी कि राज्य कार्यकारिणी के लिए, राज्य के चुनाव के लिए जो डेलीगेशन है वो खंडों की सदस्यता के आधार पर जो है खंड प्रधान करेंगे। और 2016 का जो चुनाव हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है। 6 में से 5 प्रधान जो है तब प्रधान थे, तब उनको शायद याद आना चाहिए था, तब उन्होंने इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। अब उनको याद नहीं आ रहा, अब उनको ये नया लग रहा है, अटपटा लग रहा है। और साथ में कहना चाहूँगा कि शिमला में चुनाव रखने के लिए उसके ऊपर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव का स्थल शिमला में रखा गया है, ये इलेक्शन कमीशन ने भी अपने आप नहीं रखा है। ये जो गुवाहाटी में 31-3-2019 को जो जनरल हाउस हुआ था हिमाचल राज्य अध्यक्ष संघ का, उसमें ये निर्णय लिया गया था, जिसमें ये 6 लोग उसमें सम्मिलित थे, इनके प्रेजेंस में ये निर्णय लिया गया था कि सारे चुनाव खंड स्तर पे, जिला हेडक्वार्टर पे और राज्य हेडक्वार्टर पे किए जाएंगे। उसके मतलब जो राज्य का हेडक्वार्टर मुझे लगता है शिमला के अंदर है, इसे ये स्थल जो है चुनाव का शिमला रखा गया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, शिमला से हूँ और हमें शिमला को होस्ट करने का मौका मिला। मेरे साथ मेरे जिला आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।